शादी में शी मिस द रेडिएशन बाय अ फ्यू वीक्स द कैंसर केम बैक और तब तक पूरी तरह जो कैंसर का इलाज होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है ये हिंदुस्तान में हुआ सरकारी अस्पताल राजेंद्रा हॉस्पिटल में 40% इलाज राजेंद्रा हॉस्पिटल में हुआ फिर यमुनानगर में हुआ तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% भी चांस नहीं मेटास्टेसिस है स्किन में आ गया है एक ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया उसने कहा सर नो चांस व्हाट्सएवर सो व्हेन द चांसेस वर ग्रिम मैं घंटों पढ़ता रहता था और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण भी बताऊंगा मैं घंटों पढ़ता रहता था रिसर्च करता रहता था अमेरिकन डॉक्टर्स आयुर्वेद कुछ नहीं छोड़ा मैंने मैं दिन की कम से कम नहीं 4-5 घंटे पढ़ाई करता था मैं जब भी डॉक्टर्स को पूछता था कि जी ये डाइट शुरू कर दूं उन्होंने कहा नो कीमोथेरेपी चल रही थी और मैं जो दवाई थी जो डॉक्टर्स थे उनका कहां से मुकाबला करता हूं मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं सिखा सकता मैं उन्हें डॉक्टरी नहीं सिखा सकता था तो जब ये हुआ कि कोई चांस ही नहीं रह गया तो जो मैंने पढ़ा था जो मैंने रिसर्च की थी उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे यू विल नॉट बिलीव इट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा यह है कि जब भी मैं कोई पोस्ट डालता था नूनी की इतना रिस्पॉन्स आता था इतनी दुआएं इतनी विशेस मैं आपको बता नहीं सकता लेकिन उसमें बहुत से लोग पूछते थे साहब आपके पास तो करोड़ों हैं आप इलाज करवा लोगे आप ठीक हो जाओगे लेकिन एक आम गरीब आदमी कैसे ठीक होगा ये जो मनी इन द बैंक की बात है इसकी वजह से आज उस आम जो मेरे बहन भाई मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास किसी भी अवस्था में है मैं उनके मन में ये आस और विश्वास जगाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूं और ये शेयर करूंगा कि किस तरह से नोनी उस अवस्था से स्टेज 4 कैंसर मेटास्टेसिस डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज सो 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है कैंसर इन्फ्लेमेशन है एक बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन और वो इन्फ्लेमेशन दूध से एक कार्बोहाइड्रेट्स वीट ज्यादातर वीट से आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खाने पेस्टिसाइड्स है और है ठीक है और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा जो हम जलेबी खाते हैं शुगर रिफाइंड शुगर सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए कैंसर फीड्स ऑन शुगर तो कैंसर की वो लाइफलाइन जो थी जो मेरे हिसाब से मैंने अपनी तरफ से कोई प्रबंध नहीं किया था आयुर्वेद अमेरिकन डॉक्टर्स हिंदुस्तान की रिसर्च सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें शुगर कट करो तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन आटा गॉन मैदा गॉन एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन राइट समोसे जलेबी एवरीथिंग गॉन नाउ आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गॉट हर बैक रिफाइंड ऑयल्स जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं गॉन नाउ आई विल टॉक अबाउट हाउ शी केम बैक द डाइट दैट वी गेव हर सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में शुगर नहीं दो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते तो शाम होने से पहले खाना खाया 6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी वार्म वाटर विद नींबू उसके साथ कच्ची हल्दी
उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी, इसे ग्रीन ब्लड कहते हैं, द डॉक्टर्स कॉल इट ग्रीन ब्लड। फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में आती है। तो अगर आप 50 ग्राम के करीब पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप लें, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की कड़वे और खट्टे तत्व बेरीज। सो वो जो खट्टा पदार्थ और नीम के पत्ते और हल्दी अदरक, ये सवेरे देना। चाय छुड़वाई तो चाय, जो इंडियन स्पाइसेस, सिनेमम, जिसे हम दालचीनी कहते हैं, सिनेमम, सिनेमम के साथ काली मिर्ची, लौंग। व्हेन द ब्रिटिशर्स केम, दे केम बिकॉज ऑफ दी स्पाइसेस, राइट। छोटी इलायची, इसको उबाल के इतना सा गुड़, बस वही इसका शुगर थी, बस इतना सा गुड़ उसमें डाल के वो चाय, नो मिल्क प्रोडक्ट, राइट। उसके बाद नट्स, गैप दिया, और एक सफेद पेठे का जूस, व्हाइट एश गर्ड, उसका जूस। वो खत्म हुआ, 1-1.5 घंटे बाद ब्लूबेरीज, जो ब्लूबेरीज नहीं अफोर्ड कर सकते मेरे बहन भाई, अनार, आमला इज ऑल्सो अ बेरी, शैतूत, ब्लैकबेरी, बेरीज देनी। बेरीज के साथ इसको 4 पीसेस ऑफ अखरोट और 2 ब्राजील नट्स और मैकेडेमिया नट्स और पीकन नट्स, ये 4 तरह के नट्स, ब्लूबेरीज और एक ग्लास जूस का, जिसमें बीटरूट, चुकंदर, गाजर और एक आंवला, ठक। यू विल नॉट बिलीव, ये करके उसके बाद कुछ नहीं, नथिंग। फिर रात को 7-7:30 जैसे ही दिन छिपा, नो राइस, नो रोटी, किनोवा, दी ओनली ग्रेन विच इज एंटी इन्फ्लेमेशन एंड एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेशन एंड एंटी कैंसर। उसको किनोवा थोड़ा बॉयल करके देना या बादाम के आटे की रोटी, 2 सब्जियां और इतना सारा सैलेड, बीच में पत्ते। 40 दिन के बाद, निढाल थी पूरी, 40 दिन के बाद पेट स्कैन हुआ। हुसैन साहब हैं इन मोहाली, ही लुक्ड एट द पेट स्कैन, ही सेड, सिद्धू साहब, ग्रेड 4 स्टेज 4? मैं कहा जी हां। कह रहा है ऑपरेशन करवाना है? मैं हां जी, ऑपरेशन दूसरा जो था। कह रहा फिर आप स्कैन के लिए लेके आइए ये चीजें हैं। ऑपरेशन हुआ दूसरा, इट वॉज वन ऑफ इट्स काइंड ऑपरेशन, क्योंकि पीछे से फ्लैप उठा नहीं सकते थे, तो उठा के मसल ही पूरा चेंज करके यहां लगा दिया, लाइव मसल था। बस 45-50 डेज आफ्टर दैट ऑपरेशन द पेट स्कैन वॉज डन, नॉट अ सिंगल सेल ऑफ रेडिएंट कैंसर, जो जिसे वो सिस्ट कहते हैं, जो एक भी नहीं थी। बिलीव यू मी, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो इलाज कैंसर का है वही फैटी लिवर का है। जिनको ये वेट आता है, जो डाइट इसने ली वो मैंने ली, और मेरा फैटी लिवर खत्म हो गया, आई हैव लॉस्ट 25 केजीज। लोग मुझे जवान कहने लगे, मैं भी मल्लिका पुखराज का गाना लगा के वो सुन लेता हूं, अभी तो मैं जवान हूं। यू सी, वी रिकवर्ड ब्यूटिफुली, सारसॉप लीव्स। और सबसे बड़ी बात बहनों भाइयों, कोकोनट इज द थिंग दैट वर्क्स मिरेकल्स। अब आप पूछेंगे कि खिलाया क्या भाई, रोटी काट दी, राइस काट दिया, मैदा काट दिया, समोसे काट दिए, चाय छुड़वा दी, फिर खिलाया क्या, किस तेल में, रिफाइंड ऑयल निकाल दिए, ओनली कोकोनट ऑयल, वो भी कोलू से, पीली सरसों, उसको कच्ची घनी बोलते हैं, कच्ची घनी का तेल 50 रुपये का, और जड़ी एडी की बोतल 50 रुपये का कोकोनट ऑयल, वही मुंह पे लगा लेना, उसी से खाना बनाना, कुछ नहीं हुआ इसको। शी केम बैक, ऑलिव ऑयल, जो ऑलिव ऑयल नहीं अफोर्ड कर सकते, कोकोनट ऑयल। जितना खाना बनता था कोकोनट मिल्क, आप 20 रुपए का नारियल लीजिए, वो जो पानी वाला होता है, गिरी निकालिए, मिक्सी में डालिए, उसमें पानी डालिए, कोकोनट मिल्क, जितनी मर्जी सब्जी बनाइए उसमें, आमंड मिल्क, जो नहीं अफोर्ड कर सकते आमंड, तो उस कोकोनट है, आमंड मिल्क,
15-20 गिरी आप बादाम की पानी में डालिए, उसको वो करिए आमंड मिल्क। मिरेकल हुआ गुरु, जब मैं डॉक्टर के पास गया वहां यमुनानगर, वो मुझे कहने लगा कि ये कैसे हो गया कि किसी विटामिन की कमी नहीं। मैं कहा जी इसको चार तरह के बीज भी देते थे हम, जो आयुर्वेद में लिखा हुआ आता है, एक सेसमे सीड्स, एक अलसी के सीड्स, पंपकिन सीड्स, मैग्नीशियम, सोने, परफेक्ट लग गई, राइट, दीज फोर सीड्स वी गेव, इट्स अ कंप्लीट चार्ट, रिकवर्ड फुली टुडे आफ्टर 1.5 ईयर्स, राइट, एंटायर फैमिली इज हैप्पी। ये बच्चे 2400 घंटे इसके साथ रहते थे, 2400 घंटे वी स्टूड विद हर लाइक अ रॉक। मुझे ये लगता था कि अगर मैं अपनी फैमिली का नहीं कर सकता हूं तो मैं बड़ी फैमिली का क्या करूंगा भाई, द होल वर्ल्ड इज माई कंट्री, ऑल मैनकाइंड माई ब्रदर, टू डू गुड माई रिलीजन, तो इसको अगर मैं नहीं बचा सकता तो फिर मैं क्या करूंगा। टूडे आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि ये 5-4 चीजें, कोई भी इसमें पैसे नहीं लगते, आप सनलाइट में बैठे, आप अपने ऑयल्स को पूरी तरह से चेंज करें, आप अपना माइंडसेट, इसके पास जाके किसी ने ये नहीं कहा कि आप ठीक नहीं हो गए, जो जाता था मम्मी ठीक, और ये इतनी बहादुर थी, केमोथेरेपी के दौरान, हर चीज के दौरान इसने कभी एक बार उफ नहीं की, और एक बार ये नहीं किया कि भाई कहीं मैं चली ना जाऊं। द ओनली टाइम व्हेन शी मैरिड हर सन, तब मुझे बोला थोड़ा, मैंने कहा तुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। ये पॉजिटिव ख्यालात जो है ना, ये मैनिफेस्टेशंस जो है, कोई सपोर्ट करता हुआ फैमिली में, क्योंकि जैसे ही आदमी के मन में ये आ गया ना कि मैं बचूंगा नहीं, गॉन। पाई आपको कहता हूं, इलाज हिंदुस्तान में हुआ है, 10-12 लाख से ज्यादा लगे नहीं। राजेंद्रा हॉस्पिटल में डॉक्टर बेनीपाल, वो मशीनें हैं भाई, जो स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल है ना अमेरिका में, सेम मशीनें,